हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। आई नो आज का करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से नेटवर्क इशू थे और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 3rd of September के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। एंड शुरुआत होगी एशिया के नोबल प्राइज के बारे में। तो एशिया का नोबल प्राइज किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा रमन मैग्नेसिस अवार्ड को। एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1957 में इन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। एनुअली इनको प्रेजेंट किया जाता है 31st of August को, क्योंकि 31st of August को रमन मैग्नेसिस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। कौन थे ये रमन मैग्नेसिस? तो ये फिलीपींस के 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे जिनके नाम पर इस अवार्ड की शुरुआत की गई है। तो यहां पर टोटल 3 इंडिविजुअल और एक ग्रुप को रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन मैंने कई सारे आर्टिकल्स देखे और आर्टिकल्स में यही मेंशन था कि अभी तक केवल एक ही नाम सामने आया है, एक ही नाम रिवील हुआ है, बाकी सारे जो नाम हैं वो रिवील नहीं हुए हैं। तो केवल हम उस एक इंपॉर्टेंट नाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी पर्सन है जो न्यूज़ में है। फिर हम बात करने वाले हैं डूरंड कप के बारे में। इसके अलावा स्टेट न्यूज़ है और लॉट्स ऑफ MCQs भी हैं विद क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये हमारे जो करेंट अफेयर्स हैं ये आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं, वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द एशियाज नोबल प्राइज, जिसको हम रमन मैग्नेसिस अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में कोई भी इंडिविजुअल किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क करता है और जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है एशिया को, उसको यहाँ पर एशिया का नोबल प्राइज मतलब रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे लीजेंडरी एनिमेटर हायोयो मियाजाकी रिसीव द प्रेस्टिजियस रमन मैग्नेसिस अवार्ड। तो यहाँ पे हायोयो मियाजाकी को प्रेस्टिजियस रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट मनीला बेस्ड रमन मैग्नेसिस अवार्ड फाउंडेशन ने की है। हायोयो मियाजाकी को फाउंडर है स्टूडियो घिबली के ये को फाउंडर है। इसके अलावा इनका जो स्टूडियो है इसने हिस्ट्री क्रिएट की है। कैसी हिस्ट्री क्रिएट की है? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप बन चुका है जिसको अभी जो 77th नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में हुए थे, तो 77 जो कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स थे उसमें पाल्म दी और अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पाल्म दी और अवार्ड दिया गया है, जो कि आपका पहला ग्रुप बन चुका है आपका मियाजाकी का स्टूडियो, जिसको ये अवार्ड मिला है जिसका नाम क्या है, घिबली। ठीक है, अब ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये मनीला में होगी। नवंबर में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगर हम बात करेंगे अबाउट द रमन मैग्नेसिस अवार्ड के बारे में, तो जैसा कि मैंने मेंशन किया ये एशिया के हाईएस्ट अवार्ड तो है ही, इनकी शुरुआत 1957 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर ये अवार्ड 31st of August को एनुअली प्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन 3rd प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस रमन मैग्नेसिस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनिशियली जब इन अवार्ड की शुरुआत की गई थी तो 6 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते थे। वो 6 कैटेगरी कौन कौन सी थी? गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट, पीसफुल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इमर्जेंट लीडरशिप। लेकिन 2009 के बाद यहाँ पर सारी कैटेगरी हटा दी गई। कोई भी इंडिविजुअल अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क करता है और एशिया को कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में, जिनका नाम है एमैनुअल मैक्रोन। अवार्डेड ओलंपिक ऑर्डर इन द गोल्ड फॉर द पेरिस 2024 सक्सेस। आप सभी को पता है कि अभी जो 33 नंबर के पेरिस ओलंपिक्स हुए थे, समर ओलंपिक्स, वो पेरिस फ्रांस में हुए थे, और अभी जो 17th नंबर के पेरिस पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं वो भी पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं। तो यहाँ पर सक्सेसफुली समर ओलंपिक्स को कंडक्ट करने के कारण ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड ये अवार्ड किसको दिया जा रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जिनका नाम है एमैनुअल मैक्रोन, को दिया जा रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट थॉमस बाच आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिन पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको दिया था? अभिनव बिंद्रा को दिया था, और अभिनव बिंद्रा पहले इंडिविजुअल हमारी कंट्री के पर्सन है जिनको गोल्ड मेडल मिला था शूटिंग इवेंट में, 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। ये सारी बातें भी हमने पहले डिस्कस की हैं। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक और छोटी सी अपडेट है। यहाँ पर टॉप 150 MCQ अगस्त मंथ के टॉप 150 MCQs मैंने कल कवर किए हैं। ठीक है, आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पर आपको अक्टूबर से लेकर अभी अगस्त मंथ तक के हर मंथ के टॉप 100 या फिर टॉप 150 MCQs मिल जाएंगे, और इसकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक्चुअली PDF में 200 क्वेश्चन है।
यहाँ पर आपको 150 मैंने कवर किए थे इस पीपीटी में, इस क्लास में, लेकिन जो मैंने पीडीएफ रेडी की है उसमें 200 एमसीक्यू आपको अगस्त मंथ के टॉप 200 एमसीक्यू मिल जाएंगे। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे कहाँ से, एप्लीकेशन से, ठीक है। सिंपली सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में जाके पूजा जैन क्लासेस, तो पूजा जैन क्लासेस पे जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और आज का जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन है हमारा, इसकी पीडीएफ भी वहाँ पर अवेलेबल होगी, आप उसे भी वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें। आइए अब बात करते कुछ और पर्सन के बारे में। अगला नाम आता है यहाँ पे सुमित अंतिल का। सुमित अंतिल आप सभी को पता है कि जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी अभी पेरिस पैरालंपिक की, तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर आपको देखने को मिले थे, और इन्होंने जो लास्ट एडिशन पैरालंपिक्स का हुआ था तब भी इनको गोल्ड मेडल मिला था, और अभी फिर से इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। तो सुमित अंतिल रिकॉर्ड थ्रो टू विन सेकेंड कॉन्जिकेटिव पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुए थे तब भी इनको जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला था, और अभी भी इनको जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल आपको देखने को मिल जाएगा। इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 70.59 मीटर का आपको थ्रो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सुमित अंतिल थर्ड इंडियन पैरा ओलंपिक रहे हैं, पहला पैरा ओलंपियन है जिनको दो गोल्ड मेडल मिले हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अवनी को दो गोल्ड मेडल मिले हैं आपके शूटिंग कैटेगरी में, वहीं देविन झाझरिया को भी दो गोल्ड मेडल मिले हैं जेवलिन थ्रो में। एक बार 2004 के एथेंस गेम पे मिले थे और 2016 के रियो गेम्स में मिले थे। वैसे यहाँ पे सुमित अंतिल भी थर्ड नंबर के पैरा ओलंपियन बन गए हैं जिनको दो गोल्ड मेडल मिले हैं जेवलिन थ्रो में, एक टोक्यो ओलंपिक्स में मिला था और अभी आप पेरिस पैरा ओलंपिक्स में मिल गया है, ठीक है। अगला नाम आता है यहाँ पे सुहास यतिराज का एसोसिएशन आपको पैरा बैडमिंटन से देखने को मिल जाएगा, और बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। यतिराज जो है वो पहले इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने यहाँ पे टोक्यो में भी और पेरिस में भी दोनों में ही इन्होंने मेडल को जीता है। और कौन सा मेडल मिला है इनको यहाँ पर, आप देखेंगे बैडमिंटन में सिल्वर मेडल आपको देखने को मिलेगा। अगला नाम यहाँ पर आता है, इनका नाम, इनके बारे में कल भी डिस्कशन किया था, कौन कौन है ये, राकेश कुमार जी हैं और इनका नाम सीतल देवी है। तो राकेश कुमार और सीतल देवी ने मिक्स इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। आर्चर है दोनों, तीरंदाजी या फिर आर्चरी से इनका एसोसिएशन है, और इन्होंने ब्रोंज मेडल मिक्स टीम इवेंट में जीता है। अगला नाम आता है इंडियन शूटर जिनका नाम है रुवीना फ्रांसिस का रिलेशन आपको शूटिंग से मिल जाएगा, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है पैरा ओलंपिक गेम में। क्लियर है इतनी चीज़ें, और ये एमपी से बिलोंग करती हैं रुवीना फ्रांसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द डूरंड कप। हम सभी को पता है कि एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो आपका डूरंड कप है। रिसेंटली इसका 133 एडिशन हुआ है डूरंड कप का, और डूरंड कप को पहली बार किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, और इन्होंने बीट किसको किया है, मोहन बगान को, ठीक है। तो गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब वॉन इट्स फर्स्ट डूरंड कप टाइटल। पहली बार इसको डूरंड कप टाइटल मिला है, और सबसे सक्सेसफुल जो टीम है ना डूरंड कप की उसका नाम है मोहन बगान, और मोहन बगान की टीम को इन्होंने डिफीट करने का काम किया है। यहाँ पर जो फाइनल खेला गया था 133 नंबर का जो एडिशन था एशिया के ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का, फाइनल मैच वेस्ट बंगाल में खेला गया था विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में। यहाँ पर पहली बार आप देखेंगे जमशेदपुर ने भी डूरंड कप को होस्ट किया था। ये जो 133 नंबर का एडिशन है डूरंड कप का, ये अलग अलग शहरों में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता के अलावा आप देखेंगे कोकराझर आसाम में, जमशेदपुर झारखंड में, और शिलोंग मेघालय में 27th of July से लेकर 31st of August के बीच में। और जमशेदपुर ने पहली बार डूरंड कप के किसी मैच को होस्ट करने का काम किया था। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है इसका कोई ना कोई तो ओनर होगा, मालिक होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको ओन करते हैं बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है इसको आपको तीन ट्रॉफी देखने को मिलेंगी। एक तो डूरंड कप की ट्रॉफी तो जीती है, डूरंड कप के अलावा शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट कप भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस इवेंट को देखने के जाते हैं उसके बाद एक और नया कप इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है प्रेसिडेंट कप। तो शिमला ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप और डूरंड कप दिया जाएगा किसको, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को। और इसके ओनर कौन है, बॉलीवुड एक्टर है जिनका नाम जॉन अब्राहम है।
अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, गोल्डन बूट अवार्ड जो कि टॉप गोल स्कोरर होता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये किसे दिया जाता है जो बेस्ट गोल कीपर होते हैं, और गोल्डन बॉल अवार्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दिया जाता है। तो तीन अलग अलग कैटेगरी अवार्ड की है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन बूट अवार्ड जो कि टॉप गोल स्कोरर को दिया गया है। इन्होंने 6 गोल स्कोर किए हैं। इनका नाम क्या है? नोआ सादाउई। ठीक है, नोआ सादाउई इनका नाम है जो कि केरला ब्लास्टर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि बेस्ट गोल कीपर को दिया जाता है। ये अवार्ड गुरमीत सिंह को मिला है जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मिलता है जो दिया गया है जितिन MS को जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से हैं। डन। चलिए अब डूरन कप की शुरुआत कब से होती है? 1888 से डूरन कप की शुरुआत होती है शिमला में, और इसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा की जाती है, इसलिए इसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया कहा जाता है। द टूर्नामेंट ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम देन फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया जिनका नाम था मोर्टिमर डूरंट, इनके नाम पर ये नाम पड़ा डूरंट कप। ठीक है, और मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, इसने 17 times इस टाइटल को जीता है, लेकिन पहली बार आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवील किया है सुप्रीम कोर्ट का न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया, मतलब प्रतीक चिन्ह, इंसिग्निया और आपका जो फ्लैग है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द न्यूली अनवील्ड फ्लैग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फीचर द अशोक चक्र, यहाँ पे अशोक चक्र आपको मिल जाएगा, इसका कलर ब्लू है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की पिक्चर बनी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है फिर सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर है, अशोक चक्र है और ब्लू कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये जो फ्लैग है वो ब्लू कलर का यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक ध्येय वाक्य भी लिखा हुआ है जिसका नाम है यतो धर्मस्थ्यो जयत जया। ठीक है, यतो धर्मस्थ्यो जया जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है जो कि संस्कृत एक फ्रेज है, इसका क्या मतलब होता है? वेयर देयर इज धर्म देयर इज अ विक्ट्री, जहाँ पे धर्म है वहाँ पे विजय जरूर होगी। ठीक है, ये जो वाक्य है ये जो संस्कृत का फ्रेज है कहाँ से लिया है? महाभारत से लिया है। महाभारत में 11 times मेंशन है, हिंदू इपिक जो महाभारत है उसमें ये वर्स आपको एक्सप्लेन मिलेगा, मतलब मेंशन मिलेगा। ठीक है, द न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया सिम्बलाइज जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, और इसको डिजाइन किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, मतलब NIFT के स्टूडेंट न्यू दिल्ली ने इसको रेडी किया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसके लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 124 में जाना पड़ेगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन एज अ फेडरल कोर्ट किया गया था 1937 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन जब हमारे देश में संविधान बन गया और संविधान को इन्फोर्स में लाया गया उसके बाद हमने ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है इसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया। कब? 28 January 1950 को। अभी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 34 की है, मतलब 33+1 एक CJI हो गया और 33 आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए। प्रेजेंट में हमारे जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम DY चंद्रचूड़ आपको देखने को मिल जाएगा। डन। तो पॉलिटी से रिलेटेड अगर आपने अभी तक अपने आर्टिकल्स रेडी कर लिए हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आर्टिकल रेडी नहीं किए हैं तो आप आर्टिकल रेडी कीजिए। अगर आप फंडामेंटल राइट्स या फिर आप कह सकते हो कि अमेंडमेंट जो है हमारे 106 अमेंडमेंट्स अभी तक जितने भी हैं उनको पढ़ना चाहते हैं तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और फिर टॉपिक वाइज आप टेस्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, अगेन ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, 30 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट नाम आता है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह टेक्स ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बन गए हैं? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह बन गए हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सबसे पहले तो आपके बिपिन चंद्र रावत जी थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था। अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनका नाम जनरल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र वेदी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। और यहाँ पे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ आपको एयर चीफ मार्शल VR चौधरी मिलेंगे। और यहीं पे जो डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बनाए गए हैं उनका नाम तेजिंदर सिंह है। वही डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि हमारे डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है, आप इनके नाम याद रखना।
अगला नाम आता है यहाँ पे ज्योति यारजी का। ज्योति यारजी या आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से बिलोंग करती हैं, ठीक है। रिसेंटली इन्हें एक सम्मान दिया गया है, ऑनर किया गया है बाय द आईएनएस सद्भावना। आईएनएस सद्भावना ईस्टर्न नेवल कमांड में आपको देखने को मिल जाएगा, और इन्होंने ओलंपियन ज्योति यारजी को जो कि विशाखापट्टनम से बिलोंग करती है इनको ऑनर किया है, सम्मान किया है फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट, फॉर हर अचीवमेंट ऑफ बीइंग इंडियाज फर्स्ट वीमेन ओलंपिक हर्डलर। यहाँ पर कुछ ये विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे कुछ अचीवमेंट है जो कि ज्योति यारजी के हैं जो हमें याद रखने में, आपको कुछ सिलेक्टिव बताती हूँ। जैसे कि 2022 में जो होंगजोंग एशियन गेम्स हुए थे उसमें 100 मीटर हर्डल में इन्होंने सिल्वर जीता था। वही 2023 में जो बैंकॉक में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी तब इन्होंने 100 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल जीता था। जब एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी तेहरान में 2024 में तब इन्होंने 60 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल को जीता था। ये तीन कैटेगरी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बात हो रही थी ईस्टर्न नेवल कमांड के बारे में, तो हमारे देश में इंडियन नेवी की तीन नेवल कमांड्स हैं। एक है आपका ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, फिर आता है आपका सदर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर कोची में है, और फिर आता है आपका वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। ओके है जी, ठीक है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो हमने डिस्कस किए। नौ अब बात करते हैं, यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए अप्रूवल दे दिया है, कहाँ पर? सनत गुजरात में। ओके, यूनियन कैबिनेट अप्रूव अ न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट इन द सनत गुजरात। अब यहाँ पे ये जो प्लांट है कौन सी कंपनी बना रही है? इंडियन कंपनी जिसका नाम है काइंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड विल इन्वेस्ट अराउंड 3,300 करोड़ रुपीज़। 3,300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा गुजरात के सेमीकंडक्टर प्लांट को बनाने के लिए, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 60 लाख चिप पर डे, 60 लाख चिप पर डे ये मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और इन चिप्स को यूज़ किया जाएगा कहाँ पर? अलग अलग एप्लीकेशन में, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम में, मोबाइल फ़ोन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है लाइट स्पीड फोटोनिक्स। जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है ये इनको टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर जो रोल आउट है, मतलब जो चिप का कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन है, वो स्टार्ट कब से होगा? मिड 2025 से। द कंपनी एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस द फर्स्ट चिप बाय द मिड 2025 एंड द कंपनी विल यूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिप प्रोड्यूस टू सप्लाई इट्स कस्टमर इन द सिंगापुर, ताइवान एंड द फिलीपींस। अब ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हो रहा है। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है इसको 29th ऑफ दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उस समय अश्विनी वैष्णव थे। अब यहाँ पर टोटल इसके लिए जो बजट था वो 76,000 करोड़ रुपीज़ था। इसका पर्पस यही था कि हमें भारत को एक सेमीकंडक्टर हब बनाना है और मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको भारत में बुलाना है और इंडिया में ही सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम यहाँ पे, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसका नाम है, नेपाल से है ये न्यूज़। यहाँ पर आप देखेंगे धुली खेल बिकम द नेपाल फर्स्ट हेल्दी सिटी। तो नेपाल की पहली हेल्दी सिटी और एशिया की सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी बन चुकी है धुली खेल बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात अनाउंस की है, ठीक है। धुली खेल म्यूनसिपालिटीज ऑफ नेपाल ये पहली हेल्दी सिटी बन गई जिसने WHO के हेल्दी सिटी नेटवर्क को ज्वाइन किया है और ये सेकेंड नंबर की हेल्दीएस्ट सिटी है इन द एशिया सिंस 2014 से। धुली खेल म्यूनसिपालिटीज यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम को लॉन्च कर रही थी, वेरियस प्रोग्राम इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं टू अचीव द स्टेटस। टर्न नेक्स्ट आता है नमन। इंडियन आर्मी लॉन्च द प्रोजेक्ट नमन। तो नमन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। अभी ये पहले फेज में है, फर्दर इसको और एक्सटेंड किया जाएगा। तो इंडियन आर्मी इनिशिएट द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट नमन विथ अ जनरल उपेन द्विवेदी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड द सुनीता द्विवेदी प्रेसिडेंट ऑफ द आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। इन दोनों ने मिलकर पहला फेज प्रोजेक्ट नमन का लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट नमन किसके लिए है? डिफेंस पर्सनल जो रिटायर हो गए हैं और उनकी जो फैमिली है उसके लिए ये स्कीम काम करती है। टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू द डिफेंस पेंशनर वेटरनर एंड देयर फैमिलीज। तो यहाँ पे जो भी पर्सन जो कि डिफेंस में काम किया है, रिटायर हो गए हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए ये आपको डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। प्रोजेक्ट नमन इज अ सेंटर अराउंड द स्पर्श। स्पर्श क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, डिजिटल पेंशन सिस्टम है
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक इनिशिएटिव है, जहां पे जो भी ग्रीवेंस है, जो भी शिकायतें हैं, कंप्लेंट है, या जो भी आपके डाउट है रिगार्डिंग द पेंशन, तो यहाँ पे जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनके लिए स्पर्श प्लेटफॉर्म है, जिसमें कुछ बैंक्स को इंटीग्रेट भी किया गया है और वो बैंक्स फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं डिफेंस पेंशनर्स और उनकी फैमिलीज को। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है प्रोजेक्ट नमन, ये किसके अराउंड है, तो स्पर्श इनिशिएटिव के अराउंड ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले फेज में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट फेज में हम 14 कॉमन सर्विस सेंटर को डेवलप करेंगे, ठीक है, इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। 14 कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ पर, न्यू दिल्ली, जलंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, इसके अलावा बेंगदूबी, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागौर, गुंटूर, अहमदाबाद एंड बेंगलुरु में, ठीक है। एंड फर्दर हमें यहाँ पे, अभी तो हम पहले फेज में 14 सेंटर बिल्ड कर रहे हैं, हमारा टारगेट है 200 सेंटर्स को बिल्ड करना इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, ये हमारा टारगेट है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कौन कर रहा है, HDFC बैंक भी हमें सपोर्ट कर रहा है IT इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो HDFC बैंक प्रोवाइडेड द नेसेसरी IT इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कॉमन सर्विस सेंटर, और वहीं लोकल जो मिलिट्री स्टेशंस हैं वो इसेंशियल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये नवन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा हमारी कंट्री में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। ये जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है ये आपको आसाम स्टेट में देखने को मिलता है, मैप में आपको दिखाई दे रहा है ये है भारत, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये है आसाम, और आसाम में आपको यहाँ पर पोवा रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक आपका रेन फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम में। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है देख लेते हैं। तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इन आसाम्स धेमाजी डिस्ट्रिक्ट विल सून बी नोटिफाई एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको बहुत जल्दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है ये आपका एक रेन फॉरेस्ट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम में है, और इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था 1924 में। इसका जो टोटल एरिया है वो 10,000 हेक्टेयर का एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी भी हैं जो इस फॉरेस्ट रिजर्व में रहती हैं, जैसे कि मिसिंग, बोडो, सोनोबाल, कछारी एंड द हजोंग, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं आसाम स्टेट की वो इस फॉरेस्ट एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का ये बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है जहाँ पर रिचेस्ट आपको फ्लोरा एंड फाउनास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है ये एक तरीके से कॉरिडोर की तरह भी काम करता है, स्पेशली एलिफेंट कॉरिडोर की तरह काम करता है। ये डी इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, काबू छापरी प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट एंड द डिब्रू सिखोबा नेशनल पार्क आसाम, इनके बीच में एक माइग्रेटरी रूट प्रोवाइड करती है वेरियस एनिमल्स के लिए, स्पेशली फॉर एलिफेंट्स। मतलब एक तरीके से ये एलिफेंट कॉरिडोर की तरह काम करेगा, इसलिए इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाएगा बहुत जल्दी, ये अनाउंसमेंट किया गया है, डन। नेक्स्ट आता है शिल्प दीदी महोत्सव। तो शिल्प दीदी महोत्सव को ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विजिटेड द शिल्प दीदी महोत्सव एट दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली। यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या पर्पस है, जो यहाँ पे शिल्प दीदी हैं, शिल्प दीदी का मतलब जो फीमेल आर्टिशियन है उनको एम्पावर करना, तो गवर्नमेंट्स डेडिकेशन टू एम्पावर फीमेल आर्टिशियन थ्रू द शिल्प दीदी प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें पायलट बेसिस पे 100 डेज का इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और यहाँ पे जो 100 वीमेन आर्टिस्ट हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा एज अ शिल्प दीदी, जो कि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करेंगी, अलग अलग क्राफ्ट कैटेगरी से बिलोंग करेंगी, और उनको ई कॉमर्स पे ऑनबोर्डिंग कराना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमीशन हैंडीक्राफ्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज़ लॉन्च द शिल्प दीदी प्रोग्राम ऑन अ पायलट बेसिस फॉर 100 डेज। अ बेसलाइन सर्वे आइडेंटिफाई 100 वीमेन आर्टिशियन नोन एज अ शिल्प दीदी रिप्रेजेंटिंग 72 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द 23 स्टेट एंड कवरिंग अ टोटल ऑफ 30 डिफरेंट क्राफ्ट से इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसमें कई सारे कंपोनेंट इंक्लूड्स हैं लाइक ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, रेगुलेटरी एंड सोशल मीडिया ऑनबोर्डिंग, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एटसेट्रा। इस तरीके से फीमेल के जो आर्ट वर्क है उसको प्रमोट करना इसका पर्पस है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है, उसके बाद हम MCQ देखने वाले हैं। गूगल डीप माइंड लॉन्च AI प्रोजेक्ट मोरनी, MORNI, ठीक है, मोरनी ही पढ़ेंगे इसको, फॉर 125 इंडियन लैंग्वेजेस।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमारे देश में भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 8 में 22 लैंग्वेजेस डिफाइन है, क्या पूरे देश में केवल 22 भाषाएं ही बोली जाती हैं? आंसर है नो। हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग डायलैक्ट हैं, तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल तक AI फैसिलिटी पहुँचे, इसलिए यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, गूगल डीप माइंड्स इंडिया यूनिट इज टेकिंग ऑन एन एम्बिशियस चैलेंज विथ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड मोर्नी नोन एज द मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। ठीक है, मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया इसे लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है? हमें एक ऐसा AI सिस्टम बनाना है, एक ऐसा AI मॉडल बनाना है जो 125 इंडियन लैंग्वेज और डायलेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, मतलब ये सारे जो लोग हैं जो इन भाषाओं को बोलते हैं उनको भी AI का फायदा मिल सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री विथ मैनी लैंग्वेजेस एंड मेकिंग AI वर्क फॉर ऑल ऑफ देम विल हेल्प इंश्योर दैट एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम AI नो मैटर वॉट लैंग्वेज दे स्पीक, इसलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो गूगल डीप माइंड के जो डायरेक्टर हैं वो मनीष गुप्ता हैं, और गूगल डीप माइंड को इस्टेब्लिश किया गया था इन 2010, जो कि एक लीडिंग AI रिसर्च कंपनी है। अब इसके पहले क्या इन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो कुछ हद तक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। आप देखेंगे गूगल ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट वाणी। क्या लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट वाणी विद द कोलोब्रेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc एंड आर्ट पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इन 2022, जो ये लैंग्वेजेस के डेटा को कलेक्ट करने का काम करता था, लेकिन इसमें इनफ डेटा कलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए एक नया प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। डन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 हेल्ड? तो 5वें नंबर का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा जो फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश की, मुंबई महाराष्ट्र में इसमें हुआ था। अब कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि रेजर पे ने कोलोब्रेशन किया है विथ अ मास्टर कार्ड और लॉन्च किया है इंडिया का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम द चेकआउट प्रोसेस बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ OTPs। OTP की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ पे पास की का इस्तेमाल किया जाएगा और दिस एडवांस सिस्टम लिवरेज पास की प्रोटोकॉल टू इन्हांस सिक्योरिटी, और इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन सक्सेस है वो 4% ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और 35% रिडक्शन हो जाएंगे चांसेस आपके OTP एरर के। तो इस तरीके से यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है रेजर पे ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ मास्टर कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक और इनिशिएटिव है वो हम पढ़ने वाले हैं। India's energy major, Indian Oil Corporation Limited, has launched a co-branded credit card Extra. ठीक है, in the partnership with which bank in the Global Fintech Fest Mumbai? तो यहाँ पे Global Fintech Fest में IOCL ने किस बैंक के साथ मिलके एक यहाँ पे कार्ड लॉन्च किया है, क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है Extra। किसने किया है? IOCL ने किया है। कोलोब्रेशन किसके साथ है? आपका RBL बैंक के साथ। तो इंडियाज एनर्जी मेजर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड Extra इन द पार्टनरशिप विद द RBL बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पर्पस क्या है? क्रेडिट कार्ड से आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपको अप टू 250 लीटर फ्री पेट्रोल एनुअली मिल सकता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर वो सारे इनिशिएटिव है जो पिछले कुछ हफ्तों में लॉन्च किए गए हैं बाय डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और डिफरेंट बैंक्स। ठीक है, हालांकि मैंने ये सारे डिस्कस आपके साथ किए हैं, आप फिर भी रिवीजन पर्पस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक इज प्लानिंग टू एक्सपांड इट्स न्यूली इंट्रोड्यूस दाबा सेविंग अकाउंट, या दाबा सेविंग अकाउंट कैंपेन अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एज अ पार्ट ऑफ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड गवर्नमेंट पुश टू ब्रिंग द अनबैंक इन टू द फॉर्मल बैंकिंग फोल्ड। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने एक कैंपेन लॉन्च किया है अक्रॉस द कंट्री जिसका पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इस कैंपेन का नाम क्या है? दाबा सेविंग अकाउंट कैंपेन। तो पूछा जा रहा है ये किसका है, किसका इनिशिएटिव है? आंसर हो जाएगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का, ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके बारे में बात हो रही है कि 10th ऑफ मार्च 2017 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। पॉल थॉमस, फिर आपका आंसर हो जाएगा पॉल थॉमस के अलावा है मिरीना पॉल एंड जैकब सैमुअल इसके फाउंडर हैं, हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में सिचुएटेड है।
नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कोकोनट बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय द सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी हमने 2nd of September को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया और यहाँ पर एक कोकोनट बेस्ड एक न्यू बेवरेजेस लॉन्च किया गया है, उसका टाइटल क्या है या उसका नया ब्रांड नेम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कल्पा ब्लिट्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियाज रूबीना फ्रांसिस जो कि MP से बिलोंग करती हैं, वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक गेम्स, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो इनका रिलेशन शूटिंग से मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच डिफेंस फोर्स हैज लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट नमन, विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विस टू द डिफेंस पेंशनर बैटनर एंड देयर फैमिलीज। आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वॉट इज लेप्टोज पायरोसिस कॉमनली नोन एज, यहाँ पे इस आउटब्रेक को हमने डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ रोडेंट मतलब चूहों के कारण ये होता है, इसलिए इसको रेड फीवर भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट अमंग द 4 स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस। तो यहाँ पर कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि 4 यहाँ पे कंपनीज हैं जिनको नवरत्न स्टेटस दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनी भारत में 25 हो चुकी हैं, इनमें से वो कौन सी नहीं है? तो NHPC को मिला था, बिल्कुल मिला था, फिर आपका रेलटेल कॉरपोरेशन को मिला था, हाँ जी मिला था, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी मिला था, ठीक है, लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको सारे करेंट अफेयर्स समझ में आ गए होंगे। स्टिल करेंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे अगर पहली बार क्लास लेने के लिए आ रहे हैं, और लिंक को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे।